और अब बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। आज माघ पूर्णिमा है, कहते हैं कि आज ही के दिन देवी देवता धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। माघ मेले के अंतिम स्नान पर, माघ की पूर्णिमा स्नान पर आज सुबह 4 बजे से ही पवित्र संगम में लाखों की संख्या में एकत्र हुए भक्त आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। माघ की पूर्णिमा स्नान के एक दिन पहले शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम की रेती पर पहुंच गए थे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण का अनुमान है कि लगभग 5-6 लाख श्रद्धालु पावन संगम में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। इसी के मद्देनजर मेला क्षेत्र में तैयारी और व्यवस्था की गई है। स्नान घाटों पर बोरियों से लेकर कांसा को दुरुस्त किया गया है और पांटून पुलों और सड़कों पर चकर पेट्स को भी व्यवस्थित कर दिया गया है। तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों का रुख कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही इस तरह का नजारा दिख रहा है क्योंकि आज माघी मेले का अंतिम स्नान है और इसीलिए संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं माघ पूर्णिमा के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपको बता दें कि प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासी प्रयागराज माघ मेला में स्नान हेतु पधारे पूज्य संतजनों श्रद्धालुओं कल्पवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो माघी पूर्णिमा की उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, ट्विटर के जरिए उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। चलिए हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ गए क्योंकि आज देखिए माघ पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा में आस्था की डुबकी लगाना बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही फल और पुण्य मिलता है। चलिए हमारे साथ जगह जगह से हमारे कई सहयोगी जुड़ गए। करण खुराना हरिद्वार से रहेंगे और सत्य प्रकाश आपको बता दें अयोध्या से और हमारे साथ रहेंगे। साथ ही साथ मोहम्मद गुफरान हमारे साथ प्रयागराज से रहेंगे और वहीं जयपाल वाराणसी से रहेंगे। लेकिन सबसे पहले संगम नगरी प्रयागराज का कर लेते हैं। गुफरान, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है क्योंकि आज माघ पूर्णिमा है, पहले से क्योंकि माघ मेला लगा हुआ था तो श्रद्धालु का आने जाने का सिलसिला पहले से ही वहां पर जारी था। बिल्कुल, देखिए संगम में स्नान का जो सिलसिला है वो माघ मेले के पहले स्नान पर्व से शुरू हुआ है, जो आज माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है यहाँ तक पहुंचा है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं ब्रह्मपुर से ही स्नान के लिए पहुंचे हैं और ये हम जिस संगम मार्ग पे हैं यहाँ बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करके वापस आ रहे हैं। उनसे बातचीत की कोशिश करते हैं। भैया स्नान करके आ रहे हैं, कहाँ से आए? हम देवरिया से आए। क्या कामना की है माँ गंगा से? मांगे मांगे। आप भी स्नान करके आए हैं बाबूजी? कहाँ से आए हैं? देवरिया से। देवरिया से, क्या महत्व है यहाँ? बहुत महत्व। क्या मांगे हैं माँ गंगा से? हम नहान दर्शन करने के लिए आए। क्या मांगे? कुछ मांगे? व्यवस्थाएं बढ़िया है यहाँ पर। हाँ, व्यवस्था सरकार ने इंतजाम बढ़िया किए। बढ़िया किए। आप भी स्नान के लिए आए हैं? कहाँ से आई? देवरिया से। देवरिया से आप भी आए, क्या कामना की है गंगा जी से? गंगा जी से कमल करने की भाग, गंगा जी ने राखी मन के। संगम का बहुत खास महत्व है, लिहाजा क्या कुछ मांगा है? नहीं, हम कुछ मांगे नहीं। कुछ मांगे नहीं है, और भी लोग हैं स्नान करके आ रहे हैं। भैया क्या मांगे हैं माँ गंगा से? अरे माता जी से मांगे अपनी हाथी कुर्सी। कहाँ से आए हैं? रायबरेली हसनपुर से। रायबरेली से आप भी स्नान करके आ रहे हैं बाबूजी, क्या क्या कामना किए हैं? ठीक है गुफरान, आप बातचीत करते रहिए इन सभी श्रद्धालुओं से, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। काशी का रुख कर लेते हैं इस वक्त। जयपाल काशी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, काशी का नजारा किस तरह का, तस्वीरें दिखा दीजिए वहां से जरा। बिल्कुल, देखिए आज माघ पूर्णिमा का दिन है और ऐसे में माना जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की दोनों की कृपा होती है और इसका जो जिक्र है वो स्कंद पुराण में भी मिलता है। लेकिन तस्वीरें इस वक्त आप देखिए काशी के दशाश्वमेध घाट की, तमाम श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं आज माघ पूर्णिमा के मौके पर स्नान करने के लिए, दान करने के लिए। और चूंकि आज कल्पवासी जो है यहाँ विशेष तौर पर गंगा में, माँ गंगा के पावन जल धारा में स्नान करते हैं, इसके बाद यहाँ से जो गंगा जल है वो अपने घरों की ओर लेकर जाते हैं और वहां पर ऐसी मान्यता है कि विशेष जो भगवान जो विष्णु है उनकी कथा कराई जाती है और आज के दिन अगर कथा होती है तो वो तमाम कष्ट दूर होते हैं, वो तमाम मान्यताएं पूरी होती हैं और इसी को लेकर ये विहंगम जो छटा आपको दिख रही है घाटों पर। इसके अलावा जो लोग हैं गंगा विहार कर रहे हैं, यानी वो माँ गंगा के आशीर्वाद लेकर अब नौका विहार भी कर रहे हैं और ये अद्भुत नजारा, सूर्योदय हो चुका है, हल्की गुनगुनी धूप है और हौले हौले हवा चल रही, यानी बदन को पूरी तरह से तरोताजा करती हुई यह पूरा माहौल माघ पूर्णिमा के मौके पर
ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा कि कहा भी जाता है कि धरती पर भगवान खुद यहाँ पर मौजूद हो, और ऐसे में यही कारण है कि जो तमाम भक्त हैं वो काशी में उमड़ पड़े हैं मोक्षदायिनी माँ गंगा के पावन तट पर। ये तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और बिल्कुल जयपाल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह वाराणसी में और काशी में किस तरह का उत्साह है, और देखिए काफी तादाद में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं जिस तरह जयपाल हमें दिखा रहे थे। और सीएम योगी भी आपको बता दें कि बनारस में है, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। चलिए करण खुराना का रुख कर लेते हैं, हरिद्वार से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए हरिद्वार का भी बड़ा महत्व होता है। करण, किस तरह की तस्वीरें हैं हरिद्वार की अगर बात करें? हर की पैड़ी पर वैसे ही अमूमन देखा जाता है कि हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन आज माघ पूर्णिमा है तो आज भीड़ ज्यादा होगी। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत नजारा है, और इस समय हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हड़की पौड़ी पर बहुत एक लंबी, बहुत ही सुंदर, देखिए हर वर्ग के लोग, चाहे वो युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो और बच्चे हो, यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड पे बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और क्योंकि अब आरती का समय अभी निकल चुका है, आरती के समय के बाद, आरती के बाद ही ये स्नान जो है की और अच्छी तरह शुरू हो चुका है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे माघ पूर्णिमा के दिन में स्नान ध्यान का एक बहुत बड़ा महत्व है। हड़की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर तो वैसे ही कहा जाता है कि रोज सुबह देवी देवता यहाँ पे स्नान करते हैं, और आज क्योंकि माघ पूर्णिमा है, आज तो ये वैसे भी पुराणों में लिखित है कि आज देवी देवता गंगा स्नान करने आते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर वर्ग के कारण। आप हमारे साथ बने रहिए, सत्य प्रकाश का भी रुख कर लेते हैं एक बार। ये सत्य प्रकाश, अयोध्या की एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए, अभी क्या नजारा? जी हाँ बिल्कुल, जी जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर सरयू घाट पर जो है श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और बड़ी संख्या में लोग स्नान करके अब मठ मंदिरों की ओर भी रुक कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये जो अयोध्या में आज सरयू स्नान का जो क्रम चल रहा है, माघ पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व, कहा जाता है कि भगवान प्रयागराज तमाम नदी में स्नान के बाद सरयू स्नान रहा तो भी उनकी जो यात्रा होती है वो पूरी नहीं होती, और उसी कारण यहाँ पर भी आज बड़ी संख्या पूजन कर रहे हैं, यहाँ से राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन के लिए भी जा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर घाटों पर देखा जो नजारा है, यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं और तमाम मान्यताएं लेकर यहाँ पर लोग माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है गंगा नदी पर।